एक साथ 25,000 से ज्यादा लोग अभी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आपको देख आप देख सकते हैं। ये सारे लोग जो है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मौजूद है और सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हनुमान चालीसा आप सब ने पढ़ा होगा, लेकिन जिस तरीके से तालियां बजा करके एक साथ खड़े होकर के भगवान ध्वज फहराते हुए जिस तरीके से हनुमान चालीसा का पठन हो रहा है, आज तक ऐसा बहुत कम ही हुआ होगा जब 25,000 से ज्यादा संख्या पर लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो। खास तौर पर देखिये मंच पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिन्हा भी मौजूद है, उनके साथ में जो है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है और के ठीक बाजू में दिल्ली के सभी सातों संसदीय सीटों के प्रत्याशी खड़े हुए हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी भी हैं। लेकिन इस स्टेडियम में मौजूद जितनी भी जनता आपको देखने को मिल रही है, तो जितने लोग जितने कार्यकर्ताओं की यहाँ पर ड्यूटी लगी थी व्यवस्था बनाने के लिए, उसके अलावा कार्यकर्ता नहीं है। दिल्ली में जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में जितने भी पुजारी हैं, उन सभी पुजारियों के साथ रहने वाले उनके परिवारजन या उनके आसपास के लोग, यही सब लोग जो है तो यहाँ पर मौजूद है और गुलाब के फूलों की वर्षा की जा रही है जब हनुमान चालीसा का पठन किया जा रहा है। इस दौरान श्री बजरंगबली जी की तस्वीरों को एनिमेट किया जा रहा है, भगवान श्री राम का की पिक्चर दिखाई जा रही है और साथ में गुलाब के फूल को जनता के ऊपर फेंका जा रहा है, गुलाब पुष्प पुष्प वर्षा की जा रही है और इस तरह का नजारा भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में देखने को मिला था जब पुष्प वर्षा की गई थी, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। उसके बाद से नवरात्रि के पहले दिन जब हिंदू नव वर्ष शुरू हुआ, उसके बाद 9 दिन माता रानी के नवरात्रि के बीते रामनवमी आई और अभी 23 अप्रैल के ठीक पहले के रविवार को आज रामनवमी के बाद और हनुमान जन्मोत्सव के ठीक पहले यह हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में लगभग 25,000 से ज्यादा की संख्या में लोग इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहुंचे हैं और आप ये जो नजारा आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक साथ 25,000 से ज्यादा लोग पुष्प वर्षा के बीच में एक लय में प्रतिबद्धता के साथ हनुमान चालीसा का पठन कर रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत नजारा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए सुनील सुधाकर पांडे की रिपोर्ट। मंगल मूरति।